हो इस विद्या का पाठ इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम योग विद्या को समझ पाना संभव नहीं। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों के द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों के द्वारा की गई वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भास अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है, किंतु असुर भगवान कृष्ण को इस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह चेतावनी है, मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करें और श्रीमद् भगवद् गीता के इस पर विज्ञान से लाभान्वित हो। तो वरिष्ठ भक्त हैं, आशीर्वाद दें ताकि ठीक ठीक बोल सकें। तो चौथे अध्याय सभी हम सुन रहे थे, पहले श्लोक में भगवान गीता के इतिहास के बारे में बताया कि गीता हमने बहुत समय पहले सूर्यों को सुनाई थी। इमं विवस्यते योगम, जो योग है मुझे जानने का जो ज्ञान है वो बहुत पहले मैंने सूर्यों को बताया था। सूर्यों का नाम विवस्वान और विवस्वान मनवे, और सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया गीता को। विवस्वान मनु प्रया है मनु इच्छुआ को भी अग्रवीत, और मनु ने अपने पुत्र इच्छुआकु को दिया। ये बताया होगा किस प्रकार परंपरा से ज्ञान आ रहा है। और फिर भगवान चौथे अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, कि मेरे जो ज्ञान है वो परंपरा के द्वारा आता। सामान्य ज्ञान के लिए संसारिक ज्ञान की बात ही देखते हैं हम तो वो भी परंपरा है। जैसे दो और दो चार होती है, कैसे पता चला? दो चार होते कैसे पता चला? टीचर से सुने, टीचर को कैसे पता चला? वो अपने टीचर से सुने, उसकी भी एक परंपरा है। तो सांसारिक जो भी ज्ञान है उसकी भी एक परंपरा है। उसी प्रकार भगवान का जो भी ज्ञान है उसकी परंपरा है। परंपरा से सुनोगे तो सही जानकारी मिलेगी। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा ज्ञान है परंपरा से एवं परंपरा प्राप्त, परंपरा के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है और काल क्रम में इसी द्वारा प्राप्त किया गया, लेकिन समय बहुत बीत गया इसलिए परंपरा टूट गई। सा काल कहता योगो नष्ट परंतम, तो परंपरा टूट गई। जो ज्ञान सूर्यों को मैंने दिया था, सूर्यों ने फिर अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया, फिर इक्ष्वाकु ने अपने पुत्रों को दिया, इस प्रकार की परंपरा चल किया है और परंपरा टूट गई, इसलिए मैं फिर से अब ज्ञान दे रहा हूँ, फिर से स्थापना कर रहा हूँ उस परंपरा की। कई बार लोग प्रश्न करने लगते हैं कि राम पहले आए थे और कृष्ण बाद में आए, तो वैसे तो राम और कृष्ण एक ही हैं और दोनों अनादि काल से हैं, पहले बाद का काम नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कोई लीला की दृष्टि से भी कहता है कि भगवान श्री राम त्रेता में आए, कृष्ण द्वापर में आए, तो इसका भी जवाब हमें गीता दे रहा है कि कृष्ण राम से पहले आए। भगवान ने गीता का ज्ञान सूर्य को सुनाया, तो सूर्य वंश में राम बाद में प्रकट हुए,
भगवान ने गीता सूर्यदेव को सुनाई और सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को सुनाई, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाई, उसी इक्ष्वाकु के कई पीढ़ी निकल गई, वाकु के नाम प्रकट हुए। तो लीला की दृष्टि से भी कृष्ण पहले आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के साथ कि जो मेरे बारे में ज्ञान है, माया जो मैंने ज्ञान दिया है, और वही ज्ञान जो मैं बहुत पहले दिया था सूर्यदेव को, फिर से दे रहा हूं। योगा प्रोक्ता पुरातन, वही प्राचीन ज्ञान, पुरातन बहुत पुरातन। तो मान लीजिए क्यों दे रहे आप, बोले भक्तोसि सखा चित्ते। मैं सबको नहीं सुनाने जा रहा हूं कि मैं भगवान हूं, तुम मेरे भक्त इसलिए तुम्हें सुना रहा हूं। भक्तोसि सखा चेती, तो तुम भक्त हो मेरे मित्र हो, चेती रहस्य हो, तो इसलिए रहस्य तुमको सुना रहा हूं। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मनुष्य दो प्रकार के, कुछ भक्त होते हैं कुछ असुर होते हैं। पद्म पुराण में लिखा है दो विभिन्न पुरुषों लोग देव आश्रित के अवसर, दो प्रकार के जीव है संसार, कुछ आश्री स्वभाव है कुछ देवी स्वभाव है। तो विष्णु भक्त किसको कहा देगा, जो विष्णु के भक्त है देवता कहलाते, चाहे द्विपर या आसुरा, इसके विपरीत किसी के भी भक्त है असुर है। पद्म पुराण चाहे द्विपर या आसुरा, विष्णु भक्त स्मृता देगा, ये विष्णु के भक्तों देवता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तात्पर्य है कि दो श्रेणी है मनुष्य की, कुछ असुर स्वभाव कुछ देवता स्वभाव। तो अर्जुन क्योंकि देवता स्वभाव का, क्यों कृष्ण का भक्त है, कृष्ण के भक्त को देवता के रूप में कहा गया है। लेकिन जो कृष्ण के भक्त नहीं है तो असुर है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उन्होंने जो टीकाएं लिखी हैं गीता के ऊपर, वो टीकाएं सही हैं, और जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं उनकी टीकाएं गलत हैं। अब प्रश्न उठेगा पता कैसे चलेगा कोई भक्त है कि नहीं, गीता के ऊपर टीका बहुत सारे लोगों ने दी है, तो कैसे पता चलेगा कि वो भक्त की टीका है कि अभक्त की, जानना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो प्रभुपाद जी एक छोटा सा उपाय बता रहे जानने के लिए कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को परम शक्ति के रूप में स्वीकार किया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, आप परम ब्रह्म है, दसवें अध्याय में अर्जुन ने कहा। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को परम शक्ति के रूप में स्वीकार किया, तो जो टीका प्रभुपाद जी ने कहा पर जो टीका निष्कर्ष ये निकलता हो कि श्री कृष्ण परम शक्ति है, वो टीका सही है, वो भक्तों के द्वारा लिखी हुई। और जिस टीका में श्री कृष्ण को हट के कोई और चीज परम सत्य बता रहे हैं, वो टीका असुरों की है। तो ये हमें समझना चाहिए, और जो भक्तों के द्वारा टीका है वो सही है, उससे सही मार्ग हमें पता चल जाए। लेकिन असुरों के द्वारा असली स्वभाव वाले जो टीका लिखे हैं वो लोगों को गुमराह करते हैं। आज हमें एक व्यक्ति मिला था और बोला हमारी दीक्षा हो गई है, हम माला से जप नहीं करते, हमारे गुरु जी बोलते ज्योति का ध्यान लगाओ प्रकाश का। तो ऐसी काफ़ी चर्चा हुई हमारे उनसे, तो बोल रहे थे कि सर्व श्लोक भी याद थे, गीता का श्लोक बोले सर्वधर्मान प्रत्युंजय माम एकम शरणम। तो कृष्ण अपनी शरण के लिए नहीं बोल रहे थे, उनके अंदर कोई है उसकी शरण बोल रहे हैं, कृष्ण की शरण में नहीं जाना। हमारे अंदर जो आत्मा है उसकी शरण में जाना, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। जितने भी आसुरी लोग होते हैं उनके सिद्धांत ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आएगा कहना क्या चाह रहे हैं। जब भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि सारे धर्मों को त्यागो मेरी शरण में आओ, तो वहां प्रकाश नहीं बैठा था अर्जुन के सामने, भगवान पीतांबर धारी
मोर पंख लगा मुकुट व्यक्ति रूप में भगवान बैठे हैं, तो भगवान अपने लिए बोल रहे हैं कि मैं भी शरण में आऊंगा। और भगवान की शरण का अर्थ क्या है? जो भगवान की शरण में है उसकी शरण में जाना। इसे सबसे पहले शरण ली भगवान की ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी की शरण ली नारद जी, नारद जी की शरण ली व्यास जी, व्यास जी के कई शिष्यों से माधवाचार्य, तुलसी शिष्य परमानंद माखबिंदपुरी ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु और सर्वगोस्वामी है, ऐसी भक्ति विधान प्रभुपाद की परंपरा है। तो जो गुरु परंपरा के लिए हम शरण, क्योंकि वो शरण का एक परंपरा है। ब्रह्मा जी ने शरण ली डायरेक्ट भगवान, फिर उनकी शिष्य परंपरा इस तरह, यदि शिष्य परंपरा में यदि हम शरणागत हो जाते तो कहा जाएगा अपने भगवान की शरण ले ली, और शिष्य परंपरा के उपदेशों का पालन यदि हम कर गए इस प्रकार हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो श्री विश्वनाथ कृपा टीका में क्या लिख रहे हैं जरा देख लेते हैं। त्वया प्रत्याश्य प्रोक्तत्व हेतु भक्तो दास सखा चेतु, कि त्वां प्रत्याश्य तुमसे कहा जा रहा है, हे अर्जुन मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, तो भक्तो, भक्तो शब्द का अर्थ लिख रहे श्री पास विश्वनाथचक्रवर्ती दास, भक्त शब्द का दास, कि तुम मेरे दास हो, सेवक हो, दास हो और सखा चेती भावाचीनम, कि एक तो तुम मेरे दास हो, मेरे सेवक हो, मेरे भक्त हो, और दूसरा लक्षण भगवान बता रहे हैं कि तुम मेरे मित्र भी हो। और यह जो प्राचीन योग है एक, और इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष होते हेतु रहस्य, रहस्य इसलिए कहा गया गीता को क्योंकि हर व्यक्ति को बताने के लिए नहीं है, रहस्य होता सबको नहीं बताया जाता, किसी विशेष व्यक्ति को बताया जाता, तो इसलिए रहस्य इसलिए है, रहस्य है गीता इसलिए सबको नहीं बताई जाएगी, और रहस्य मित्र को ही बताया जाता। जैसे आप कोई बचपन के मित्र होते हैं और हृदय की सारी बात बताते हैं, जो हमारे बहुत खास मित्र होते हैं सबको नहीं बताते, तो जो बात जो हृदय की बात है व्यक्ति अपने मित्र को बताता है, उसी प्रकार भगवान कहे तुम मित्र हो और मेरे सेवक शिष्य हो, इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य बताऊं। एक शिक्षा मिलती है कि जब तक हमारे अंदर सेवक भाव नहीं है तब तक रहस्य समझ में नहीं आएगा गीता का। भगवान गीता इसलिए सुना रहे अर्जुन को क्योंकि अर्जुन ने पहले शरणागति ली, दूसरे अध्याय के सातवें नंबर श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए, पहले भगवान उपदेश दिए, पहले तो अर्जुन उपदेश दे रहे थे, शेरोभ्यो मध्ये स्थापितम रथमोत्तमम, ये अर्जुन ये अच्युत आप इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो हम सेना देखेंगे, लेकिन अर्जुन ने देखा कि हमारी बुद्धि हमारे भाषण काम नहीं करेंगे, अर्जुन बहुत बोले पहले अध्याय में, फुल फिलोसफी बोले, भगवान सुनते रहे, लेकिन जब अर्जुन ने सोचा कि फिलोसफी से काम नहीं चलेगा, युद्ध भूमि में लड़ना पड़ेगा और हमें समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सब हमारे परिवार के लोग हैं, इसलिए अर्जुन ने फिर कृष्ण की शरण ली। कार्पण्य दोषोपहस्वभाव प्रक्षामि ताम धर्म समूल चेता कृपणता मेरी कमजोरी की वजह से मैं सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहा हूँ, कृपा करके आप मुझे उपदेश दीजिए, परीक्षा में पूछ रहा हूँ आपसे, शिष्यस्य हूँ मैं आपका शिष्य हूँ आपका शरणागत हूँ, और जो मेरे लिए श्रेष्ठ श्रेय अस्मिश्चित्वं भूहि तन्मे,
जो मेरे लिए श्रेष्ठतर हो वो कीजिए, यानी कि जो मुझे अच्छा लगता हो वो कीजिए। इस शब्द को थोड़ा समझना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जब भक्ति मार्ग में आते हैं तो हम वही करते जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अर्जुन कह रहे नहीं, मुझे अच्छा लगता है वो मत कीजिए, श्रेष्ठ निश्चितम, जो मेरे लिए श्रेष्ठतर हो वो कीजिए। तब भगवान को उपदेश देना शुरू किया। तो गुरु का गुरु तभी शिष्य को रहस्य बताता है, ज्ञान बताता है, या उस ज्ञान को हम तभी समझ पाते हैं जब हम अपने मन की छोड़ दें और गुरु जो बोल रहे हैं उसी को हम सोचें कि हमारे लिए सही है। जब तक हम अपने विचार से सोचेंगे कि नहीं हम ऐसा हम करेंगे तो सही होगा, ऐसी भक्ति करेंगे, इसमें गुरु कैसी भक्ति करने का उपदेश दे रहे हैं तो वैसी भक्ति करना चाहिए। क्योंकि जब तक शरणागत नहीं होंगे तब तक वो ज्ञान स्थिर नहीं होगा। शरणागति अनुगत, तो गुरु अपने सिद्ध शरणागत को जो सेवा पराण शिष्य होता है गुरु उसको ज्यादा आशीर्वाद देते हैं, प्रेम करते हैं। घटना याद आ रही कि महागोविंदपुरी के एक शिष्य थे ईश्वरपुरी, दूसरे शिष्य थे उनके रामचंद्रपुरी। ईश्वरपुरी जो थे समर्पित शिष्य थे, गुरु के अनुकूल थे, गुरु जैसा उपदेश देते थे गुरु की सेवा करते थे। रामचंद्रपुरी अनुकूल शिष्य नहीं थे, गुरु के जो आज्ञा है या गुरु की जो महानता है उसको महानता के रूप में नहीं देखते थे। एक बार महागोविंदपुरी विरह में रो रहे थे भगवान के कि भगवान कब मिलेंगे, हमें छोड़ के मथुरा चले गए, कब वापिस आए, एक भाव में डूबे हुए थे। उसी मैं रामचंद्रपुरी उपदेश देने लगे अपने गुरु को, गुरु जी आप रो रहे हो, आप गीता का श्लोक याद नहीं गुरु जी, आप ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचे थे न कांक्षे थे, जो ब्रह्म भूत होता है हमेशा प्रसन्न रहता है, आप तो रो रहे हो। मां को बहुत नाराज हो, लेकिन मेरी नजरों से हट जाओ। इस प्रकार गुरु के प्रति अपराध के कारण रामचंद्रपुरी फिर चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध किए, तो भक्तों के प्रति भी अपराध किए। एक अपराध यदि हमने महापुरुष के प्रति कर दिया, किसी महान भक्त के प्रति कर दिया, तो अपराध की जो प्रवृत्ति हो जाती तो कई जगह अपराध करे। फिर तो बाद में रामचंद्रपुरी को कुष्ठ रोग हो गया था, चैतन्य 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 भागवत में, तो इसलिए गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, तभी उस ज्ञान के रहस्य को हम समझ पाएंगे। देखिए गीता तो कई लोग पढ़ते हैं, जो नास्तिक हैं वो भी गीता को पढ़ते हैं, और जो अलग अलग पंथ के लोग हैं, निराकारवादी हैं, कई प्रकार के लोग हैं, वो भी गीता पढ़ते हैं, लेकिन रहस्य समझ में नहीं आता, गीता के सार को नहीं समझ पाते, निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसको नहीं समझ पाते। गीता पढ़ते हैं भजन किसी और का करते हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आ रही गीता। तो समझ में तभी आएगी जब हम गुरु के अनुगत में हों। उपनिषद में लिखा है यस्य देवे पराभक्ति तस्य देवे पराभक्ति तथार्थः गुरु, कि जो भक्ति आपकी पराभक्ति, पराभक्ति अध्यात्मिक भक्ति जो आपकी भगवान के प्रति है, यस्य देवे पराभक्ति, वही अध्यात्मिक भक्ति गुरु में होना चाहिए। यानी कि भगवान में तो आध्यात्मिक दृष्टि है आपकी कि भगवान दिव्य है, लेकिन गुरु में भौतिक दृष्टि आ गई है कि गुरु जी तो हमारे जैसे हैं, तो फिर वो ज्ञान जो रहस्य है वो आपके हृदय प्रकाशित नहीं है। तो कैसे क्या दृष्टि रखना है हमें गुरु के प्रति, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। तो वैष्णव सदाचार
गुरु के प्रति कैसे कैसे कहाँ कहाँ अपराध होते हैं जिससे हम वो ज्ञान का जो रहस्य है प्रकाशित नहीं होता। तो भक्ति स्वामी सिंधु रूप गोस्वामी ने तीन प्रकार के भक्तों से अलग अलग व्यवहार करने के लिए कहा कि जो दीक्षा नहीं लिए केवल नाम जपते हैं तो उनको मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। जो दीक्षा ले चुके हैं गुरु ने जिनको स्वीकार कर लिया उनको शरीर से भी प्रणाम करना, और जो अहेतु की सेवा कर रहे हैं बिना स्वार्थ की जो सेवा में लगे हुए हैं ऐसे शुद्ध भक्तों की संकलना है, उनकी सेवा करना। उनका एक और विशेष लक्षण बताया रूप गोस्वामी, निंदा आदि शून्य, जो किसी की निंदा नहीं करते, किसी भक्तों की बुराई नहीं करते, ऐसे भक्त का संकलना है। उसकी संकलना उनसे सुनना है, उनकी सेवा करना है। ऐसे गुरु को चुनना है हमको जो किसी की निंदा नहीं करता, अहितु की सेवा बिना स्वार्थ की भगवान की सेवा करता है और निंदा से निंदा नहीं करता किसी की, ऐसे गुरु की सेवा करके ज्ञान ले। और वो गुरु प्रमाणित होना चाहिए, गुरु परंपरा का होना चाहिए। उसे सबसे पहले भगवान की शरण ब्रह्मा जी ने ली, ब्रह्मा जी की शरण नारद जी ने ली, नारद जी की शरण व्यास जी ने, व्यास जी के शिष्य माधवाचार्य, किसी शिष्य प्राप्त चैतन्य महापुरुष, किसी भक्ति विलास शंकरपाद, इस शिष्य परंपरा, इस प्रकार की शिष्य परंपरा होना चाहिए। उस शिष्य परंपरा में गुरु होना चाहिए। तो शिष्य को क्या क्या कठिनाई आती है जिससे वो ज्ञान का रहस्य वो नहीं समझ पाता, तो उसकी सावधानी बरते। पहला, गुरु को मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। प्रायः शिष्य देखता है कि गुरुजी भी खाते हैं, गुरुजी भी सोते हैं, तो ये देख के उसको लगता है गुरु भी हमारे जैसे, तो मनुष्य भावना आ जाती है, तो गुरु को साधारण नहीं मानते। पहला, चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि ब्रह्मांड भ्रमी के कौन भागवान के हो, कई बार जन्म लेके भटकते भटकते बड़े भाग्य से हमें गुरु मिलते हैं, प्रमाणिक गुरु परंपरा से। और ऐसे गुरु के प्रति भी हम साधारण बुद्धि रखते हैं तो ज्ञान का रहस्य हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। ज्ञान तो शास्त्रों में है लेकिन उसका निष्कर्ष आप नहीं समझ पाओगे, उसके रहस्य को नहीं समझ पाओगे। देखिए गीता पहले से भी थी लेकिन जब प्रभुपाद जी समझे तब समझ में आई, आए कि नहीं आई? उसके पहले हम जब घर पे थे इस्कॉन से नहीं जुड़े थे उस समय हमने गीता पढ़ी थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था प्रकृति के तीन गुण क्या हैं, तो हमको रुचि नहीं थी। जब प्रभुपाद जी समझाए तो बहुत समझ में आया। अब प्रभुपाद जी समझाए तो भी कई लोगों को समझ में नहीं आता जब तक प्रभुपाद जी की शिष्य परंपरा में भक्तों से समझे नहीं। कई भक्त आते हमसे मिलते हैं कि गीता तो आप दे दीजिए कि हमें समझ में नहीं आता, तो जब तक आप शिष्य परंपरा से सुनोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। भगवद गीता पहला श्लोक, पहले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि गीता का रहस्य भक्तों के निर्देशन में ही समझा जाए, किसी भक्त की सहायता से गीता के रहस्य को समझ सकते हैं। तो इसलिए गुरु को साधारण नहीं मानना चाहिए। और गुरु दो प्रकार, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु जो दीक्षा देते हैं, कभी कभी दीक्षा गुरु शिक्षा भी देते हैं, दोनों एक ही हो जाते हैं। लेकिन मंगलाचरण में हम पढ़ते हैं तो कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं, वंदे गुरुं श्री गुरुं वैष्णवांश्चर, कि मैं अपने दीक्षा गुरु को प्रणाम करता हूँ। वंदे गुरुं, तो बहुवचन बोल रहे, खाली एक ही गुरु को नहीं मानता। गुरुं वैष्णवांश्चर, जितने भी वैष्णव हैं जिनसे मुझे शिक्षा मिलती है सब गुरुओं को प्रणाम करता हूँ।
तो जिनसे भी हमको शिक्षा मिलती वो भी हमारे गुरु हैं, अध्यात्मिक बढ़ने में प्रेरणा मिल रही है। लेकिन वो प्रमुख गुरु है जो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उद्रोपस्थ वेगम एतान वेगान और विशेष भीला, जो छह वेगों को वश में किया है, भगवान का अनुभव किया है, भगवान की निस्वार्थ भक्ति में लगा, उसको हमें विशेष रूप से फॉलो करना है। तो गुरु को साधारण मनुष्य समझना है और गुरु की आज्ञा को स्वयं का प्राण जीवन समझना चाहिए। यदि शिष्य आगे बढ़ना चाहता है तो गुरु ने जो आज्ञा दी है उसी को अपना जीवन और प्राण सब वही है। रूपा जी जब भी कोई पूछता था कि आप इतनी सफलता कैसे प्राप्त की, रूपा जी स्पष्ट बोलते थे कि हमने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, उसी से सब चमत्कार हुआ। हम गुरु पूजा पढ़ते हैं प्रसादे पूरे सर्व आशा, यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु की आज्ञा पालन करें हम तो ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, उनकी प्रसाद उनकी कृपा से गुरु की प्रसन्नता से सारी आशाएं हमारी पूर्ण हो जाए, चाहे वो आध्यात्मिक आशा हो चाहे भौतिक आशा हो। तो गुरु को प्रसन्न करना, तो गुरु ने जो आज्ञा दिया है उसी को जीवन आधार मानना, ये शिष्य के अंदर ऐसी भावना होना चाहिए। गुरु के उपदेश को अपने जीवन कभी अवज्ञा नहीं होना चाहिए। दूसरा, गुरु की आज्ञा, गुरु की उपस्थिति में उनकी आज्ञा के बिना दूसरों को उपदेश देना, ये जो गलतियां होती इसी के कारण हम ज्ञान के रहस्य को समझ नहीं पाते कि यदि हमसे वरिष्ठ भक्त बैठे हैं या शिक्षा गुरु हैं या दीक्षा गुरु हैं, उनकी उपस्थिति में हम दूसरों को प्रचार करना शुरू करते हैं, ये भी एक प्रकार का अपराध होता है। तो गुरु की उपस्थिति में उनकी आज्ञा के बिना दूसरों को उपदेश देना, फिर लिखा है कि गुरु शरीर से उपस्थित है और दूसरों को शिष्य बनाना दीक्षा देना, जब तक गुरु है तब तक दीक्षा नहीं देना चाहिए शिष्य को, यदि गुरु आज्ञा दे तो दे सकते हैं। गुरु की आज्ञा का केवल पालन करें, उल्टे पृष्ठ ना करें। तो गुरु की आज्ञा पालन करना चाहिए लेकिन उल्टे सीधे पृष्ठ करना चाहिए। गुरु से पूछना है कि क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ, राम करके विनम्र भाव, और ये भी नहीं सोचना चाहिए शिष्य को कि हमें गुरु का भाव पता है, बाहर से भले वो हमें आदेश दे रहे, अंदर से हमें पता है, अंदर से कुछ और हो, ये भी एक प्रकार का अपराध है। और फिर लिखा है गुरु के उपदेशों का उल्लंघन करना, उनके भाव को समझना, और फिर लिखा है कि स्वयं के गुरु को कभी भी उपदेश ना दे, जो हमसे सीनियर है वरिष्ठ है हमसे पहले से भक्ति में जुड़े हुए ऐसे जो शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, उनको कभी उपदेश नहीं देना चाहिए कि आप ऐसे ऐसे करो, जैसे रामचंद्रपुरी अपने गुरु को उपदेश देने लगे कि अपराध होता है। यदि आपको लग रहा कि शिष्य को ऐसा लग रहा कि नहीं ये बात बहुत जरूरी है ये गुरु को बताना चाहिए, तो विनम्रता के साथ उपदेश की भावना से विनम्रता के बाद प्रणाम करके स्तुति करते हुए गुरु को निवेदन करें कि मेरे अंदर ऐसा विचार आ रहा आपको ठीक लगे, ये होना चाहिए शिष्य के। तो ऐसे बहुत लक्षण है वैसे सदाचार में लिखे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक श्लोक है जो समझाना चाहता हूँ शिष्य के बारे में, तो ये स्कंद 9 अध्याय 18 श्लोक 44 है, पुरोहित महाराज बोल रहे हैं ययाति महाराज को। उत्तम चिंतित कुरिया प्रोक्त कार्य तो मध्यमा अधो सया कुरिया कर्तोश्चरित हो। कभी कभी पिता को गुरु बोल दिया जाता है शास्त्र में, तो पिता का जैसे पुत्र होता है ऐसे गुरु का शिष्य के लिए गुरु ही आध्यात्मिक पिता है। तो तीन प्रकार के शिष्य की इसमें कैटेगरी दी गई कि एक शिष्य वो है
जो गुरु उपदेश न दे पहले ही पालन कर दिया गया है। वो नंबर वन उत्तमा, उत्तम शिष्य है उत्तमा चिंततम। गुरु के मन में चिंता आए, विचार आए, चिंतन किया गुरु ने कि ऐसा होना चाहिए, उसी से तुरंत कर मुख में आया नहीं। अब प्रश्न उठेगा पता कैसे चलेगा कि क्या चिंता हो रही गुरु जी को, उनके मन में क्या विचार आ रहा है, कैसे पता चलेगा शिष्य को। वो रहते रहते पता चलेगा, शिष्य रहेगा गुरु के साथ सेवा करते करते तो पता चलेगा गुरु अब क्या सोच रहे हैं, अब गुरु क्या सोच। जब तक गुरु का संग नहीं करेगा तो पता नहीं चलेगा। तो गुरु क्या सोच रहे हैं वो उसी शिष्य को पता चलेगा जो बहुत समय उनके साथ रहा। तो उत्तम शिष्य वो है जो गुरु के मनोभाव को जान जाए, उपदेश देने के पहले ही वो पालन कर, उत्तम शिष्य। और मध्यमा कौन सा है, कुरिया प्रोक्त कार्य तो मध्यमा, जो गुरु आज्ञा दे ये कार्य करो तब शिष्य करे तो मध्यम शिष्य। और कुरिया करतु चेष्टम पितु, लेकिन जो अधम जो शिष्य है मध्यम, और जो अधमा, अधमा मतलब निम्न श्रेणी का कनिष्ठ अश्रद्धा कुरिया। गुरु ने आज्ञा दी तो श्रद्धा नहीं है करने की, लेकिन जैसे तैसे मुंह खुला के कर दिए। गुरु ने कोई आज्ञा दी करने की इच्छा नहीं, लेकिन क्या करने वाले दिए हैं, कोई करना ही पड़ेगा नहीं तो नाराज हो जाएंगे, अपराध लग जाएगा। तो मन में दुखी हो के आज्ञा पालन की। जैसे घटना बता रहे थे कि गुरु जी ने कहा कि तुलसी तोड़ के लाओ बगीचे में 200 को, तो शिष्य बोले गुरु जी हम तुलसी जानते नहीं कैसे होती है, आलसी थे वो। तो दूसरे शिष्य से कहा, बोले गुरु जी वही जिसका पत्ता इतना बड़ा बड़ा होता है। तो गुरु जी जाने के दोनों बदमाशी कर, बोले ठीक है हमारा जो चार तखत है इसको बगीचे में उठा के ले चलो, क्योंकि हम उठ नहीं सकते थे, गुरु जी पूजा कर रहे थे, भगवान नहला रहे थे। तो दोनों शिष्य को उठाना पड़ा गुरु जी को और बगीचे में ले गए, तो गुरु जी तोड़ दिए। तब क्योंकि बहुत उनको कष्ट हुआ तो गुरु जी ने कहा तुलसी याद रहेगी, बोले हाँ हाँ तो याद रहेगी, तुलसी से ज़्यादा मेहनत होगी तब तो याद रहेगी। इसलिए जो शिष्य गुरु आज्ञा दे दिए लेकिन मन से खुशी होकर नहीं कर रहा, मन में दुखी होकर आज्ञा पालन कर रहा, तो निम्न श्रेणी का शिष्य कनिष्ठ अधमा और अकर्ता उच्चतम प्रतु। और जो गुरु आज्ञा दे और शिष्य आज्ञा पालन करे ना तो शिष्य ही नहीं, वो शिष्य नहीं है फिर वो। इसमें लिखा मल के समान है। तो यदि गुरु ने आज्ञा दी और शिष्य पालन नहीं करे तो शिष्य नहीं है। हमारे जो परम गुरु है प्रभुपाद, तो उनकी आज्ञा है कम से कम 16 माला और चांदनी मंगल आरती, प्रमुख रूप से 16 माला चांदनी। तो ये यदि हम पालन नहीं कर पा रहे तो प्रकार से हम शिष्य योग्य नहीं हुए, कम से कम ये मिनिमम तो होने चाहिए। तो ये हमने चर्चा की कि तीन प्रकार के शिष्य हैं, जो उत्तम शिष्य है गुरु के मन के भाव को जान जाए, और मन के भाव को वही जानता है जो गुरु के साथ रहा है सेवा किया है, तो गुरु के मन के भाव जानता है, गुरु के प्रवचन सुनता है, तो गुरु प्रवचन में अपने मनोभाव व्यक्त करते हैं, तो जो खूब गुरु से सुना वो मनोभाव को जानता है। और जो दूसरा प्रकार का शिष्य है कि मूड नहीं समझता है गुरु को क्या चाहिए, लेकिन जब आज्ञा दे तभी वो पालन करता है, मध्यम का है। और जो आज्ञा पालन करे लेकिन दुखी होकर करे वो कनिष्ठ है, और जो आज्ञा पालन ना करे वो शिष्य ही नहीं। इस प्रकार यदि हमें गीता के रहस्य को समझना है, जैसे अर्जुन ने समझा तो हमें शरणागत होना पड़ेगा, जैसे अर्जुन ने भगवान की शरणागति शिष्य के रूप में अपने को सौंपा, उसी प्रकार जब हम समर्पित होकर शिष्य बनना चाहेंगे तभी हमें ये रहस्य समझ में आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समय हो गए, यही विराम देते हैं, किसी का कोई प्रश्न है कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं।
हरे कृष्णा भगवद गीता रूप की, श्रील प्रभुपाद की।